हजारों पेड़ काट दिए गए और वहाँ पर भी बड़ी बड़ी मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। किसके इशारे पर किया जा रहा है? अपराधी बेखौफ है, बेलगाम होते हैं। अफसरशाही पर सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है, निरंकुश हो चुका है। ऐसा लगता है कि सरकार और अपराधियों का और सरकारी मशीनरी का तालमेल भी है। और जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ अवैध वसूली हो रही है, जो हमारे RTOs हैं, RTO ऑफिसर हैं, कार्यालय हैं, कर्मचारी हैं, उनके जो अधिकार हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसे छीन कर निजी हाथों पर प्रदेश में जहाँ जहाँ निर्माण हो रहे हैं, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊं हो, जो चाहे टनलबंदी हो, चाहे निर्माण कार्य हो रहे हों, उसमें सब बाहरी ठेकेदारों को काम दिया गया है। पुल ढहरे हैं, सड़कें खत्म हो रही हैं, कोई जांच करने का वारा नहीं। इन मुद्दों को लेकर हमारा बाजपुर ही है, बाजपुर के 20 गांव का मामला जो पूरी अधिकरण कर ली गई सरकार द्वारा जोर जबरदस्ती के जरिए, आज एक साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन सरकार खामोश है और भूमि का मालिकाना हक देने के लिए तैयार नहीं है। और जो इस प्रदेश के जो विकास का जो एजेंडा है वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। जोशीमठ पर 1,000 करोड़ का पैकेज देने की बात की थी सरकार ने, जोशीमठ फंस रहा है, लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं, मुआवजा नहीं मिला, 1,000 करोड़ का पैकेज कहाँ गया? इसी तरह केदारनाथ सोनप्रिया में भारी नुकसान हुआ है, गुप्तकाशी में भारी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे हुई? टिहरी में विलंगना घाटी है और बूढ़ा किनार है, टोली में और किलगढ़ में पूरे गांव जमींदोज हो चुके हैं। माँ बेटी की मौत हुई है, कोई मुआवजा नहीं, कोई विस्थापन की बात नहीं। और जहाँ तक धारचूला में, मैंने खुद देखा है 3 साल पहले वहाँ पर आपदा से गांव दब गया था, नुकसान हो गया था, विस्थापन नहीं हो पा रहा, खुले आसमान के नीचे स्टेडियम में लोग रहने को मजबूर हैं। तो ये मुद्दे भी अहम मुद्दे हैं और कई, और सबसे बड़ी बात है कि आंकड़े गवाह हैं। आंकड़े जो है गृह विभाग के आंकड़े मेरे द्वारा आपने मैं अपने आंकड़ों की बात कर गृह विभाग द्वारा आंकड़े जो पेश किए गए हैं, जो दिए गए हैं, जो हमारे द्वारा मांगे गए हैं, हरिद्वार जैसी जहाँ राजधानी है, जहाँ मुख्यालय है, जहाँ पर सरकार बैठती है, जहाँ पर DGP बैठते हैं, वहाँ पर अपराधों की संख्या में नंबर 1 पायदान पर देहरादून है, दूसरे पायदान पर हरिद्वार है और तीसरे पायदान पर उधम सिंह है। जमीनों की खरीद को कब्जे दिलाना, पूरा सरकार का और अधिकारियों का पूरा केंद्रित कर दिया अपने आप को, भूमि अवैध भूमि में कब्जा करना, जहाँ पर विवादित भूमि में कब्जा करना, व्यवस्थी कब्जा गिराना, ये रोजमर्रा का काम है। तो तमाम स्थानीय मुद्दे भी हैं, उन मुद्दों को लेकर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारे बेटियाँ हैं, असूचित हमारे
भाई बहनों में डर और भय का माहौल है। सत्ता पक्ष के जो सरकारी पदों पर आसीन लोग हैं वो लोग इस रेप में गैंग रेप में संलिप्त हैं, संलिप्त के लिए मुख्य आरोपी हैं। चाहे हैदराबाद हो, चाहे पिता भंडारी हत्याकांड, चाहे श्रेट की बेटी के साथ दुष्कर्म हो, चाहे चंपावत की बेटी के साथ दुष्कर्म हो, ये तमाम मामलों में भारतीय जनता पार्टी, चाहे हल्द्वानी में लालकुआ का मामला हो जो दूरसंघ के अध्यक्ष हैं, तमाम मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी पदों पर आसीन लोग संलिप्त है, अभियुक्त है, लेकिन सरकार उनको बचाना चाहती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने, हमने, हमारे सभी माननीय विधायकों ने और हमारे संघ के प्रमुख लोगों ने 9 सितंबर को जिला मुख्यालय रुद्रपुर में जिला कार्यालय इन मांगों को लेकर अपने जनता देने का ऐलान प्रदर्शन करने का फैसला किया है, क्योंकि ये जरूरत है आज की। जिस तरह से हमारे माननीय विधायकों ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे सीनियर MLA हैं या जो हमारे फर्स्ट टाइमर हैं, जो हमारे पहली बार चुन गया है, उनका परफॉर्मेंस, उनका प्रदर्शन, उनकी जिस तरह से उन्होंने सवालों को उठाया है, जिससे सरकार को भेद दे रहा है, सरकार के पास सवालों के जवाब भी मंत्री एक बार करके नहीं आते हैं। और प्रदेश जिस दौर से गुजर रहा है, आप सभी बात की बात सुनिए, पूरी तरह सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। कानून का राज खत्म हो चुका है और एक जंगल राज इस प्रदेश में कायम है। लगातार आपराधिक घटनाएं, हत्याएं, गैंग रेप, रेप, बलात्कार, अपहरण, महिलाओं का उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के सारी हदें पार करती है। एक नया जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली सरकार आज भ्रष्टाचार के मामले में चारों तरफ से घिरी हुई है। जिस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पर विजिलेंस को सरकार को निर्देशित करती है, डायरेक्शन देती है कि सरकार इसकी विजिलेंस जांच के आदेश दे, अगर सरकार आदेश नहीं देती है तो विजिलेंस कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेगी। अब जीरो टॉलरेंस की सरकार कही जाती है, क्या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी विजिलेंस टीम को जांच के आदेश देंगे? क्या उनका जांच को प्रभावित न होने देने के लिए क्या जो वर्तमान में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे त्याग पत्र लेंगे? ये प्रदेश के जनता के सामने ये सवाल हैं और सवालबाजी भी है। और जिस तरह से खनन माफियाओं के हाथों में इस प्रदेश की जंगल, जमीन, नदियों को निजी हाथों में सौंप दिया है, खनन माफियाओं के हाथों में सौंप दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।